एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीजीटी का रिजल्ट सितंबर के अंत में और टीजीटी का रिजल्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ सकता है, जैसा कि आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है। और इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जितने भी तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है और उनकी सारी पुष्टि हो चुकी है, और जितने भी बढ़े हुए पद हैं उनको रिजल्ट के आते ही इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी अभ्यर्थी परेशान थे कि ओएमआर शीट की वजह से कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने रोल नंबर, बुकलेट नंबर और सीरीज नंबर में कोई गलती नहीं करी है तो आपकी ओएमआर शीट भी चेक होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके रिजल्ट को आने में। और एक बात यह भी साफ हो चुकी है कि फोटो के बैकग्राउंड के पीछे आपका रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट के आने के बाद आप खुद देख सकेंगे कि इस बार मेरिट पिछले वर्ष की अपेक्षा कम जाने वाली है। इसके कई सारे कारण हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूं, जिनमें से एक है कि पेपर का लेवल टफ था। उसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो गए, जिससे फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों की सीटों पर तो चांस बन ही गया और अपनी सीटों पर भी चांस बना हुआ है। उसके अलावा जो भी 10 से 5 नंबर से रुक रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियों के लिए नमस्कार।